कल्लू उस्ताद फैज शाह और मेरे उस्ताद इसी भाई इसी भाई वाह तो कहाँ से आपका ताल्लुक है सर मैं बेसिकली वजीरिस्तान से अच्छा इधर इधर वाह वाह पाकिस्तान का आप पठानों के लिए पंजाबी बस गया नहीं नहीं यार आप बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलकर और बहुत ज़्यादा दुआएं आपके लिए खुश रहें जी मतलब एन सी ए में वजीरिस्तान आ गया अल्लाह कह रहे क्या कौन सा रोल था सर वो जो आपका एक रोल देखा है मैंने फरीदाबाद में आई थिंक आप वो हैं पता नहीं कौन है मेरी नानू देखती है कमाली कमाली शायद आप वही हैं सर मैं देखता हूँ कि आई एम नॉट फैमिलियर फरीदाबाद देखी मेरी नानू बहुत देखती हैं और मैंने आपको टीवी भी देखा वैसे सो नाइस सो नाइस मुझे फिर लगा कि शायद आप वही हो मैंने कहा क्यों सुना है भी भाई शायद नहीं यकीन वही सर आपका नाम क्या सर सर मैं वैसे क्योंकि आप एक्टर हैं सर अब मैं आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर व्हाट इज द ग्रेट थिंग ब्रेक इन टू द इंडस्ट्री एज एन एक्टर एज ए प्रोफेशनल देखिए जी पहली बात तो ये कि क्योंकि हमारे कोई बाकायदा सिस्टम तो मौजूद नहीं है ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं हमने जफर साहब बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं इनकी अकेडमी भी है एक्टिंग की हमने शुरू किया था स्ट्रीट थिएटर करते थे स्कूलों में थिएटर किया करते थे 30 साल पहले 30 साल में अगर आप एक मैं लिखता भी हूँ नागन बड़ा मशहूर था मैंने लिखा था बहुत सारे ड्रामे लिखे बहुत सारे मारूफ एक्टर किए करेक्टर किए लेकिन अगर आप जैसा 18-20 साल का नौजवान मुझे आकर ये पूछे कि सर आपका नाम क्या है तो आप खुद सोचें कि क्या आपको इस फील्ड में आना चाहिए सर सर वैसे नहीं पहले इस बात को समझे ना अगर इतनी सी पहचान बननी है अगर इतनी सी पहचान बननी है मैं आप ही की बात कर रहा हूँ सर मैं आपको इसकी वजह बता सकता हूँ सर असल में जो मेरी उम्र के लोग हैं सर हमें जो जिस तरह का कॉन्टेंट बनाया जा रहा है इंडस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू फिल्म्स या कोई दो ड्रामों के अलावा सर वो हमें हमारी एज को उस तरह से अपील नहीं कर अच्छा देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ उनका सवाल आप समझे नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ मकसद ये कि अगर आप इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस फील्ड का पता होना चाहिए आपको एक्टर का एक्टर का डायरेक्टर का आपको अवेयरनेस होनी चाहिए नहीं इसके अलावा भी जफर भाई इसके अलावा भी देखें मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं करता जी सर मैं ड्रामा लिखता हूँ नागन तो आपकी नस्ल ने देखा था ना उसमें सारे आज के आर्टिस्ट थे एक और बात है अभी किसी बशर में 1000 खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना पोएम पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में स्टेटस पे लगी है आपको उस पोएम का भी नहीं पता जी सर इसका मतलब ये है कि मेरे पास तो 3-4 तरीके ना पहचाना जाओ अच्छा फिर मैं वीडियोस बनाता हूँ पार्ट्स के अंदर चलते हुए वो भी नहीं पता आपको तो आप ये समझ लें कि अगर एक एक्टर आपने बनना है सिर्फ मेरे पास 4-5 चीज़ें हैं मुझे कोई राइटर पहचान लेता है कोई पोइट पहचान लेता है ठीक है लेकिन अगर आप इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं इस मुल्क में तो ये पहचान का लेवल है आप देख लें दूसरी बात आई थिंक सर अनफॉर्चुनेट क्योंकि अभी क्योंकि आप
अब सिंस मैंने आपको एक मेन स्ट्रीम उसमें एक प्लेटफॉर्म में देखा है तो सर फिर मैंने आपको रिकॉग्नाइज किया। मैं वही गुजारिश, अगर शायद मैंने ना देखा होता तो शायद मुझे ना पता। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, आपने सवाल किया इस फील्ड में आना चाहिए या कैसे आना चाहिए, तो मैं यही बता रहा हूँ, ख्वाब देख के तोड़ सकते हैं, तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। लाहौर में तो काम ही नहीं है, कराची में सर। हाँ जी, अब कराची जाने का मतलब ये है कि एक फ्लैट किराए पर लिया आपने, फिर एक मैट्रेस भी खरीदा है, फिर खाने पीने का सामान भी होगा, ट्रैवल भी देखा, गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल होगी, और 4-5-7 साल आप प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगा सकते हैं, तो जरूर आए यार, ओपन है। आपको ब्रेक कैसे मिला? मुझे तो ब्रेक नहीं मिला अभी तो। देखिए आप परिंदा जैसे ड्रामे में काम कर रहे हैं। मुझे यार अगर आप ये पूछेंगे आपका नाम क्या है तो मुझे ब्रेक नहीं मिला, आप मेरी बात समझ रहे हैं? कहना मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो हम हीरोज देखते हैं ना, फला आया फला, इमरान अशरफ साहब इतने मशहूर हुए भोला से, जी सर, वो 14 साल से या 10 साल से ज़्यादा अरसे से वो स्ट्रगल कर रहे थे कराची में, वो पीरियड किसी को नहीं पता। ये जो बिल्डिंग है ना, सबको नज़र आ रही है, इसकी जो बुनियाद है ना, फाउंडेशन में जो ईंट लगी हुई वो नहीं नज़र आती। तो ये तकलीफें उठा सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आप रोज़ ख्वाब देखेंगे, रोज़ टूट जाएंगे, रोज़ जनरलाइज होंगे, रोज़ ताइया करेंगे, रजम करेंगे, तो जरूर आ जाए। मैं अपना जी सर, श्योर सर, थैंक यू सर। इसके खदो हाल तो बिल्कुल बोल रही है। अच्छा, इसको फिर कॉलेज में सब परी जाते हैं। ये पता क्यों कह रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, इन्होंने वो परी ज्यादा की हसरतें आपके अंदर देखी होंगी। मैंने तो ड्रामा भी देखा, आप लोग इसको परिजात क्यों कहते हैं? तुम लगते हो, लेकिन मैंने उनको बोला सिर्फ रंग ऐसा होने से लगते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि खूबसूरती आपको बयान मजे की आपको बात है। क्या नाम है आपका? बसाम। बसाम सारे सुन रहे हैं, खुदा आपकी कसम मेरा पसंदीदा कलर वो है जो आप जिंदगी में जाने के लिए अल्लाह ने दे रखा है ना, जो जल्दी देखे उसके ऊपर खुश हो। और मैं जब भी डालूंगा आपके साथ सर्विस में से, कि आपका रंग मेरा मेरी पसंद का रंग है, ये है हमारा कलर, हम काले हैं यार, हम इस खत्ते के रहने वाले हैं, करीमा लाल आके यानी चिट्टे हो ही जा रहे हैं पहले। लेकिन आप माशाल्लाह, आपका पैकेज, आपके लुक सबसे खूबसूरत। अच्छा, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ब्लॉगर ब्लॉग बनाते हैं और तो आप मेरे व्लॉग देखते हैं? मैं फॉलो नहीं करती, बट हाँ, स्पीकर है, मोटिवेशनल। मोटिवेशन तो मैं नहीं कहूँगा, मैं तो वैसे ही समझता हूँ, मैं जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये हमारे बात रहेगा, कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जो कल को गलत साबित हो, एक बच्चा भी सीखे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आप तमाम इन्वेस्टमेंट अपने वालदैन की और इनकी भी, ये आपके टीचर्स हैं, ये आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं, आप एक वीलॉग से एक बच्चा बिगड़ गया ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप किसी अगले जान पे बिलीव करते नहीं करते, मैं उसकी बात नहीं करा, लेकिन ये ज़रूर है यहाँ रहने वाले अगर आपकी वजह से तकलीफ में आए, मैं वैसे मतलब कह रहा हूँ आपको, एक आधा तो वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा, कोई एक भी देख लीजिएगा, मैं कभी भी नेगेटिव बात नहीं करता। मेरे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी पर तनकीद करने की होती है, लेकिन बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। आप जिंदगी में कभी कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर सकेंगे अगर आपका दिमाग नेगेटिव सोचता है, उसने क्या पहना रहा है, लोग क्या कहेंगे, वो बकवास कर रहा है, वो गलत कह रहा है, ये क्या हो रहा है। एक दिमाग है, एक वक्त में एंगेज होगा अगर बुराई पे, तो कुछ शाकार तकलीफ नहीं करेगा, एंगेज है ना। अभी आप मुझे सुन रहे हो ना, तो आप कुछ और नहीं सुन रहे, आप मुझे देख रहे हो तो कुछ और नहीं देख रहे, दिमाग भी ऐसे ही है।
अगर इसको फोकस कर दिया नेगेटिविटी के ऊपर, फिर ये जितना प्रोड्यूस करेगा, स्क्रिप्ट होगा, फिल्म होगी, ड्रामा होगा, एक्टिव होगा, और उस सब में सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा जब आपका दिमाग एंग्जाइटी में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, वो सारा पीरियड डिग्री होने तक का या फिल्म बनने तक का वो आप जाया कर देंगे। बहुत सारी दुआएं, थैंक यू। मैं भी जिगर इधर है। हाँ जी हाँ यार, एक मिनट नहीं है। हाँ ये इससे बना लेंगे। हाँ प्लीज आप तो फैंसी है, तो ये मुझे मिलेगी कैसे? कल ही तस्वीरें बनाई हैं। अच्छा इसमें से निकाल दें। आप भी है ऐसे आप ना आए जी बच्चों आओ। लेते हैं ना वो दूसरे के हाथ में नहीं सकते। बहुत सारी दुआएं।